की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर तक कोरोना संक्रमण जो है वो पहुंच चुका है। परिवार के 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंची मेडिकल टीम, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कौशाम्बी से, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर कोरोना संक्रमण पहुंच गया है। परिवार के 6 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पे मेडिकल टीम में पहुंच चुकी है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी से, जहां पर कौशाम्बी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर कोरोना संक्रमण जो है वो पहुंच चुका है। उन्हीं के परिवार के 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, साथ ही मेडिकल टीम सीएम के घर पहुंच चुकी है। डिप्टी सीएम के घर कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कौशाम्बी से। इसी के साथ यूपी से ब्यूरो चीफ शाहिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शाहिद जी, क्या कुछ अपडेट है वहां से? अरनिया, आपको बताना चाहेंगे डिप्टी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचा कोरोना, और समधन भतीजी भतीजे तमाम 6 लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिला है, और मेडिकल टीम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंची है और सभी की टेस्टिंग होगी। उसके बाद सभी को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में 13 तारीख को सुबह 5 बजे तक का संपूर्ण लॉकडाउन भी है, और मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि अगर केसेस में कमी नहीं होगी तो लॉकडाउन फिर से बढ़ाया जाएगा। जिसको देखते हुए कल उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान, इससे पहले कैबिनेट मंत्री मोती सिंह, कई कैबिनेट मंत्री, कई अधिकारियों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज डिप्टी सीएम के घर में 6 लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकला है। अनन्या जी, शायद इसी के साथ वहां पर जो सीएम है, डिप्टी सीएम है, उनके जो टेस्ट है वो कब किए गए थे और जो रिपोर्ट है कब आई है? देखिए, लगातार कोरोना पॉजिटिव निकलने की सूचना जब मिल रही है अधिकारियों मिनिस्टर में, तो सभी जो मंत्री हैं और सभी नेता हैं, डिप्टी सीएम है, सीएम है, सभी अपनी और अपने परिवार की कोरोना की जांच करा रहे हैं। इसी को देखते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपने घर की कोरोना की जांच कराई थी कल सभी ने सुबह कोरोना की जांच कराई थी, और शाम तक और रात तक सभी की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है, जिसको देखते सभी को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया गया है और सुचारू रूप से इलाज चल रहा है। धन्यवाद आपका शाह जी, तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यूपी से बता रहे हैं, जहां पर कौशाम्बी डिप्टी कलेक्टर सीएम के घर पर कोरोना मिला है।